स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक फ्लायर हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर जो ये एक फ्लायर डिज़ाइन की हुई है, और इसको आप किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे इस चीज़ को मैं आपको एमएस वर्ड पे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं एमएस वर्ड ओपन करता हूँ जिसमें मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये कैसे मैंने डिज़ाइन किया है, इन सब चीज़ों को जो है मैं आपको करके दिखाऊँगा। और इस तरह के एमएस वर्ड डिज़ाइनिंग में किस प्रकार से सर्टिफिकेट डिज़ाइन करते हैं, कैसे पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, कैसे होर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, कैसे पैम्पलेट डिज़ाइन करते हैं, इस तरह की जो है आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट्स जो है आपको वेदांश्री डॉट नेट की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, या प्ले स्टोर से आप वेदांश्री का ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, इन सब से संबंधित जो है अलग अलग प्रकार के डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज क्या जो प्रोजेक्ट हम देखते हैं फ्लायर कैसे बनाएंगे। कंट्रोल एन करके मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। मैं एमएस वर्ड ओपन कर लिया। मैं एमएस वर्ड का 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप एमएस वर्ड के पुराने वर्जन जैसे कि 2007 वर्जन, 2010 वर्जन, 2013 वर्जन, 2016 वर्जन, इन पुराने वर्जन पर भी जो है आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज लेने के बाद से लेआउट में आप जाइए, मार्जिन में जा करके इसके मार्जिन जीरो करिए, साइज़ में जा करके इनकी साइज़ A4 कर लीजिए। A4 कर लेने के बाद से जो है आप इंसर्ट में चलेंगे, इंसर्ट में जा करके शेप में चलेंगे, शेप में जा करके और शेप ड्रा करिए और इस पर क्लिक कीजिए, और फॉर्मेट में जाके सबसे लास्ट में जो है इसकी जो है 16x16 का जो है आप इसकी हाइट और विड्थ दोनों कर लें। 16x16 का आपने हाइट और विड्थ कर लेना है। उसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है हमने इसे अब इसका हम कलर फील करेंगे, सेट कर लिया हमने इसका कलर फील करेंगे। फिर हम जो है कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसका कलर हम वाइट कर देंगे, कंट्रोल डी, और इसे हम नीचे भेजेंगे। सेंड बैकवर्ड हमने कर दिया, देखिए नीचे आ चुका है। आउटलाइन का हटा देंगे हम, प्लस शेप फिल से हम जाएंगे और सेंड बैकवर्ड प्रेस करके जो है हम और इस शेप का कलर जो है हम सेंड बैकवर्ड सबसे नीचे भेज लेंगे इसे हम। और इसमें हमें कलर फील नहीं, हमें ग्रेडियंट फील करना है। आप क्लिक रखें, सेव फील में जाएं, ग्रेडियंट में जाएं और हम यहाँ से ग्रेडियंट ले सकते हैं। ग्रेडियंट्स के मल्टीपल यहाँ कलर आपको, हमने ये कलर ले लिया। आउटलाइन सबका आप हटा लें। अब ऊपर वाला जो सर्कल है इसका कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट बनाएं, नीचे लेकर के आए, मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ। इसका कलर फील करेंगे हम, फॉर्मेट में जाएंगे, और हम इसे कंट्रोल डी प्रेस करके और इसका डुप्लीकेट लेंगे, कलर चेंज करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे हम, और इसका कलर जो बैकग्राउंड कलर है उसी कलर से इसको भी लेंगे। ये ऊपर जो है हमने लिया है, इसमें हम ग्रेडियंट फील करेंगे। ग्रेडियंट फील करने के लिए इस पर क्लिक करें,
शेप फिल में जाएं, ग्रेडियंट पे जाएं, यहाँ पर मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करके साइड में ग्रेडियंट ओपन हो जाएगा, यहाँ जो ग्रेडियंट है। और ग्रेडियंट लेने के बाद से जो है आप यहाँ डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन पे आप क्लिक करें, यहाँ पर ढेर सारे डायरेक्शन आपको मिल जाएंगे। रेडियल पे क्लिक कर लें और इस पर आप क्लिक कर दें, यहाँ पर रेडियल कर लें और उसके बाद से आप जा करके इसे आप ले सकते हैं। तो आपका इस तरीके से यहाँ जो इसके नीचे जो शेप लिया था उसको आप सेलेक्ट करें, उसमें भी जो है आपको ग्रेडियंट फिल करना होगा, लेकिन ग्रेडियंट का जो है लुक दूसरा होगा, डिफरेंट लुक आप उसमें लगाएंगे। पहले आप इसे लाइनर कर लें और इसे मैं वाइट कर ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने वाइट कलर कर लिया, आप देखें यहाँ पर वाइट आ गया, दो नोट्स हैं इनमें वाइट कर लिया मैंने। अब मैं जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखें कलर्स कुछ इस तरीके से उसमें आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स के इफ़ेक्ट उसमें आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर भी जो आपके आपको ढेर सारे आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमने इसमें कलर फिल कर लिया है। अब हमें इसे कंट्रोल डी प्रेस करना है और उसका डुप्लीकेट लेकर के हमें आगे आना है और यहाँ पर हमें रखना है, इसका भी कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसको आगे करके जो है और इसका कलर हमें वाइट लेना है और इसको पीछे भेजिए, सेंड बैकवर्ड कीजिए, पीछे आ गया। ज़्यादा दबा करके ही रखना होगा क्योंकि हमें मैटर लिखना है तो यहाँ पर हमें जगह भी चाहिए। हमने यहाँ पर अब हम इंसर्ट में चलेंगे और हमें शेप से जाकर सर्कल लेना है, हमने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। शिफ्ट बटन प्रेस करके ड्रॉ कीजिए सर्कल को, इसका बैकग्राउंड वाइट करिए, आउटलाइन हटा दीजिए, फिर कंट्रोल डी से एक और डुप्लीकेट लीजिए और इसमें कोई कलर फिल कर लीजिए ताकि ये डिफरेंट लगे। पहले हमने ये कलर ले लिया, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके इसे हम छोटा करेंगे और इसको इस साइड में हम रखेंगे, फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको डुप्लीकेट छोटा करेंगे और इसके अंदर हमें इमेज कोई कलर फिल कर दे ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। हाँ, इसमें जो है आपको फ्लायर से रिलेटेड एक इमेज आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें क्लिक किया, शेप फिल में गया, पिक्चर में गया और फ्रॉम अ फाइल से जाकर के कोई भी एक पिक्चर ले ले रहा हूँ, मैंने अब पिक्चर फिल कर दिया। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप कर लेंगे, यहाँ से ग्रुप कर लिया, अब हमें चलना है इंसर्ट में। इंसर्ट से हम चल के टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ पर आप नाम लिखिए जिसका भी फ्लायर आप बना रहे हैं। मैंने वेदांत से लिख गया, कैपिटल में मैंने लिखा है इसे, इसका स्टाइल इफेक्ट वगैरह आप चेंज कर लें, जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहते हैं फॉन्ट स्टाइल कर लें आप। जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका बैकग्राउंड कलर हटा लें, शेप फिल में जाइए, नो फिल कर दीजिए, आउटलाइन को भी हटा दें आप। टेक्स्ट कलर ब्लैक दिख रहा है, मैं इसे वाइट कर लूँगा। साइज बड़ी करनी है, पहले बॉक्स को बड़ा करें, साइज बड़ा कर लें। हमने साइज बड़ी कर ली, 72 साइज बहुत ज़्यादा है, मैं 65 कर ले रहा हूँ और यहाँ हमने जो साइज कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पर नीचे रखेंगे और इसमें जो है हम 2020 हमने लिख दिया, इसकी साइज छोटी करेंगे। कंट्रोल डी करेंगे, नीचे लेकर के आएंगे और ये है क्या उसके बारे में लिखेंगे, ये एक फ्लायर है, साइज बड़ी कर लें हम इसकी और यहाँ से जा करके और जो भी टाइपोग्राफी इफेक्ट देना है टाइपोग्राफी इफेक्ट दे लीजिए, हमने यहाँ से बढ़ा लिया, ठीक है।
हमने इन तीनों का साइज़ जो है सेट कर लिया। अब यहाँ नीचे आइए, आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे आप, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए। एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर, इसमें हम लिखेंगे कंप्यूटर, जो भी टैगलाइन हेडिंग्स वगैरह हो आपके पास उसे आप यहाँ पर आप लिख दें। मैंने कंप्यूटर लिख दिया। यहाँ से जाकर के कोई एक स्टाइल ले ले रहे हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड कलर और आउटलाइन दोनों हटा दे रहे हैं। टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर ले रहे हैं। हमने इसे साइज़ बड़ा कर लिया। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर ले रहे हैं। इसमें हमें यहाँ पर लिखना होगा दूसरा टैगलाइन, कैपिटल में लिखेंगे और इसका स्टाइल हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट स्टाइल हमने यहाँ से चेंज कर लिया। साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 70-60 इसकी साइज़ रखूँगा मैं। यहाँ से हमने जो है साइज़ हमने यहाँ सेट कर लिया। और इसको साइड में हम कर ले रहे हैं, पूरा दिखाई दे हमें। अब हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और नीचे जो है जो भी कंटेंट हो, मैटर हो, उसको आप यहाँ पे पहले टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। मैंने ड्रॉ कर लिया। इसमें इक्वल टू RAND, मैं रैंडम कमांड ले ले रहा हूँ। रैंडम कमांड का मतलब होता है इक्वल टू RAND, रैंड रैंड लिख करके स्मॉल ब्रैकेट में आप जितना भी नंबर टाइप करेंगे उतना पैराग्राफ एंटर प्रेस करने पे आ जाता है। दो मैंने टाइप किया था, दो पैराग्राफ आ चुका है। कंट्रोल इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और इनको जस्टिफाई कर ले रहा हूँ। लाइन के बीच की स्पेसिंग भी जो है मैं कम कर दे रहा हूँ, होम मेन्यू से कम होता है। बैकग्राउंड का जो टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड वाइट है उसको मैं हटा दे रहा हूँ। टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर ले रहा हूँ। टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट कर लिया। और मैटर का जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर स्टाइल, वो स्टाइल आप यहाँ पर दे लें। मैंने स्टाइल यहाँ पर चेंज कर दिया। और हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये हमारा जो है एक बेसिक फ्लायर प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है, इनको हमने यूज़ किया है। आप इसे बना पाएंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे जो है vedansri.net ऐप पर दे सकते हैं। और भी कुछ वीडियो चाहते हैं MS Word में डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तो आप प्लीज़ नीचे हमें ज़रूर कॉमेंट करें। थैंक यू।